वेलकम बैक स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि उस टाइम वहाँ पर कौन आ जाता है स्टूडेंट्स बस ड्राइवर आ जाता है ओके okay? तो आज हम उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे बस ड्राइवर सैड मिसिस जोशी मिसिस जोशी आई एम सॉरी आई कान्ट ड्राइव द स्कूल बस टूडे ऑन एवरी रोड एंड स्ट्रीट दर इज़ नथिंग बट लेटर इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल रेस कोर्स स्टूडेंट्स तो यहाँ पर बस ड्राइवर बोलता है कि मिसिस जोशी आज मैं स्कूल की बस नहीं चला पाऊँगा बिकॉज यहाँ पे सिटी में हर जगह में गारबेज पड़ा हुआ है जैसे कि ऑब्स्टिकल कोर्स में कैसे ऑब्स्टिकल डाली रहती हैं रोड पर और फिर उनको रेस को पार करना होता है उन ऑबस्टेक्ल को पार करना होता है मिसिस जोशी सैड आई नो आई एम गोइंग टू सेंड फॉर द मेयर एट वंस ही मस्ट सी दिस आवर चिल्ड्रन आर नॉट सेफ़ विथ ऑल दिस डेंजरस ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स अराउंड स्टूडेंट्स तो मिसिस जोशी बोलती हैं कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पूरी प्लेस पर गारबेज है और मैं अभी मेयर से कम्प्लेंट करने वाली हूँ तो वो यहाँ पर आएंगे और देखेंगे बिकॉज़ ये हमारे चिल्ड्रन के लिए सेफ़ नहीं है काफ़ी डेंजरस है और यहाँ पर ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ग्लास है कांच के टुकड़े पड़े हैं तो ये हमारे चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है हॉकर सैड नो वन इज़ सेफ़ लेट्स रिक्वेस्ट द मेयर टू कम एंड सी फॉर हिम सेल्फ स्टूडेंट्स अब हॉकर बोलता है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है चिल्ड्रन के लिए और हम सब के लिए तो आप मेयर को रिक्वेस्ट कीजिए यहाँ पर आने के लिए और देखने के लिए बोलिए ओके मिस्टर दिस आई विल फैच हिम एग्जिट एंटर्स अगेन विद द मेयर एंड हिज रेटिन्यू मिस्टर देसाई बोलते हैं एग्जिट होने के बाद सब चले जाते हैं तो यहाँ पर फिर क्या होता है मेयर को देखा जाता है मेयर सैड एनॉयड अनबिलीवेबल शॉकिंग हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू वॉक थ्रू ऑल दिस रबिश वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ द गारबेज प्रॉपरली स्टूडेंट तो यहाँ पर मेयर बोलती हैं कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इस वे से चल सकता है इतना सारा यहाँ पर गार्बेज है आप लोग इस गारबेज को अच्छे से डिस्पोज मीन्स जो गारबेज हमारे घर से निकलता है स्टूडेंट्स तो उसको अच्छे से डिस्पोज किया जाता है तो जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं वो गारबेज को कलेक्ट करके लेकर जाती हैं तो उसको डिस्पोज करना भी ज़रूरी होता है ओके तो यहाँ पर मेयर उनको यही कहता है कि वाई डोंट यू ऑल डिस्पोज ऑफ द गारबेज प्रॉपरली आपका जो गार्बेज है तो आप उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज क्यों नहीं करते हो मिसिस पटेल सैड बट वी डो मिस्टर मेयर वी गेव आवर गारबेज टू द गारबेज कलेक्टर स्टूडेंट्स अब मिसिस पटेल बोलती हैं कि हमारा जो गार्बेज है तो हम गारबेज कलेक्टर को ही देते हैं मिसिस जोशी सैड येस वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट्स लाइक दिस स्टूडेंट्स मिसिस जोशी बोलती हैं कि हम लोग हमारा जो रोड है जो स्ट्रीट्स है रास्ते हैं तो इसको हम खराब नहीं करते हैं मिस्टर सैड और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर। मिस्टर सैड और वी टेक इट टू द डंपिंग ग्राउंड नियर द रिवर। साइड अवे फ्रॉम हेयर द रेन्स दैन वॉश इट अवे मिस्टर देसाई बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ये सारा जो गार्बेज है इसके बाद वो रिवर साइड में जाता है यहाँ से दूर जाता है ओके मिसिस पटेल सैड और द विंड्स ब्लो इट अवे मिसिस पटेल बोलते हैं फिर क्या होता है हवा के कारण भी ये जो गारबेज है यहाँ पे वो चला जाता है मेयर सैड देन हाउ डिड इट कम बैक इन टू द टाउन ओवर नाइट स्टूडेंट्स मेयर बोलते हैं कि अगर आप लोग बोल रहे हो कि गार्बेज को यहाँ पर नहीं रखते हो नहीं डालते हो तो फिर एक ही रात में कहाँ से आया सारा गार्बेज? बस ड्राइवर सैड दैट्स द प्रॉब्लम नो बडी नोज हाउ इट गॉट हेयर इट्स अ अस्ट्रे स्टूडेंट्स अब बस ड्राइवर बोलता है वही तो प्रॉब्लम है हमें नहीं पता कि कैसे ये सारा गार्बेज आया है न्यूज़पेपर बॉय सैड इट लुक्स लाइक सम वन हैज़ डन इट परपसली टू स्पॉयल आवर टाउन न्यूज़पेपर बॉय बोलता है ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने जान हमारे सिटी को टाउन को खराब करने के लिए ऐसा किया है मिसेस जोशी सैड एंड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन मिसेस जोशी बोलते हैं और ये क्या हो सकता है हमारे चिल्ड्रन के लिए डेंजरस भी हो सकता है मिल्कमैन सैड एंड हैंडर आवर डेली वर्क स्टूडेंट्स अब मिल्क मैन बोलता है कि और इससे क्या होगा कि हमारे डेली वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएंगे मेयर सैड वी विल नॉट टॉलरेट दिस आई मस्ट लुक इन टू दिस आई विल नॉट इंस्पायर एनी वन हैज डन दिस हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैथ मेयर बोलते हैं कि हम लोग ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे मैं अच्छे से इस प्रॉब्लम को देखूंगा और जिसने भी ये किया है मैं इसे नहीं छोडूंगा। और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सारे मैस को क्रिएट करने के लिए या फिर ये डर्टी गारबेज डालने के लिए इधर एंटर एनिमल्स हु हैव बीन हाइडिंग डियर रैबिट बर्ड्स स्क्वायरल डियर एक्सेट्रा ईच वन कम्स आउट फ्रॉम इट्स कवर टर्न बाय टर्न सेइंग स्टूडेंट्स तो जो हमने एनिमल्स कैरेक्टर्स सीखे थे तो अब उनकी एंट्री हो जाती है तो वो एक के बाद एक करके ये आती हैं एनिमल्स सैड वी आर रिस्पॉन्सिबल वी हैव ब्राउट इन ऑल द लिटर वी हैव स्प्रेड द गारबेज ऑल ओवर द टाउन तो ये सारी एनिमल्स बोलते हैं कि हम लोग रिस्पोंसिबल है इन सारी चीज़ों के लिए और हमने ये गार्बेज स्प्रेड किया है हमने ये गार्बेज पूरे सिटी में फैलाया है डियर सैड यस वी कन्फेस, वे डिट सो डियर बोलता है येस yes, ये सब हमने ही किया है मेयर सैड वॉट यू हाउ डेयर यू मेयर बोलता है कि ये आपने किया है और आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मेयर बात करता है ओके स्टूडेंट्स मिसिस जोशी सैड वॉट राइट डू यू हैव टू स्पॉयल आवर टाउन एंड मेक इट अनसेफ टू मूव अराउंड मिसिस जोशी बोलती हैं कि किसने आपको ये हक दिया कि हमारे सिटी को इस्पॉइल करें इस तरीके से और जो चीज़ें फैला रखी है तो इसका हक किसने आपको दिया है बियर सैड कम्स फॉरवर्ड वी हैव ओनली ब्राउट बैक टू यू वॉट बिलोंग्स टू यू टेल मी वॉट राइट डू यू हैव टू डंप ऑल दिस इन द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट इज़ आवर डिवेलिंग प्लेस स्टूडेंट्स तो फिर बियर आगे आता है और बोलता है कि हमने यहाँ पर क्या किया है जैसे आप लोग यहाँ पर करते हो तो हम लोगों ने भी वही रिटर्न किया है आपको तो आप लोगों को किसने ये हक दिया है कि ये सारा गारबेज आप फॉरेस्ट में लाकर डालो और फॉरेस्ट हमारे रहने की प्लेस है और आप फिर किस तरीके से गारबेज डाल सकते हो बर्ड सैड अवर ट्रीज आर डाइंग एंड वैनिशिंग बिकॉज ऑफ यू वेर कैन बी रोस्ट आर बिल्ड नेस्ट बर्ड्स बोलते हैं और हमारे जो ट्रीज हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं तो ये आपकी वजह से हो रहा है तो हम हमारे नेस्ट कहाँ पर बनाएंगे स्क्वायरल सैड एंड वेर कैन बी लाइव स्क्वायरल बोलता है और हम लोग कहाँ पर रहेंगे रेबिट सैड यू आर वरीड अबाउट मधु बेंग इंजर्ड बिकॉज ऑफ शार्प ब्रोकन ग्लास डोंट अवर यंग वंस गेट इंजर्ड टू स्टूडेंट्स रैबिट बोलता है कि मधु को इंजरी हुई तो आप परेशान हो गए मेंस मधु को शार्प ब्रोकन ग्लास लगा उसकी वजह से वो इंजर्ड हुई तो आप लोग हमारे यंग वंस के बारे में क्यों नहीं सोचते हो कि उनको भी इंजरी हो सकती है डियर सैड येस एंड वी हैव नो डॉक्टर टू ड्रेस देर वन्स अवर यंग वन सिंपली डाई डियर बोलता है कि हाँ ये सही है कि हमारे बच्चों को अगर कोई इंजरी होती है तो उनके लिए उनके ज़ख्म पर पट्टी बांधने के लिए कोई भी डॉक्टर हमारे पास नहीं है तो ये हमारे बच्चे सिंपली डाई हो जाते हैं मधु निधि सैड ओ नो हाउ शॉकिंग टेरिबल तो मधु और निधि को बुरा लगता है ये सब बातें सुनकर ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्सॉय सैड ऑल द फिश इन द रिवर्स एंड लेक्स डाय बिकॉज ऑफ द वेस्ट डंप इन वाटर हाउ वी सफर बिकॉज ऑफ द केमिकल्स एंड पॉइजन्स स्टूडेंट्स तो टोटॉइस बोलता है कि आप लोग जो गंदा पानी वेस्ट डम्प वाटर जो होता है तो उसे आप रिवर में छोड़ देते हो तो उसकी वजह से फिश है या फिर जो लिविंग थिंग एनिमल्स जो पानी में रहती हैं तो उनको कितना प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को सफ़र करते हैं जो भी आप केमिकल्स और पॉइजन चीज़ें होती हैं पानी में मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं ओके बीयर सैड एंड सो मैनी एनिमल्स हु ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर फॉल इल एंड डाय बीयर बोलता है तो कई सारे जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके का पॉल्यूटेड वाटर गंदा पानी है उसको पीने के कारण बीमार हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं डॉक्टर सावंत सैड येस इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू डॉक्टर सावंत बोलते हैं कि हाँ ये सच है ये ट्रू है पिकॉक सैड सो वी कॉल्ड अ मीटिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल योर डेंजरस स्टफ बैक टू यू वी डोंट नीड इट पिकॉक बोलता है कि इसीलिए हम लोगों ने एक साथ मीटिंग की सब लोग साथ आए और फिर हमने डिसाइड किया कि जो सारी डेंजरस इस्टॉफ आपके कारण हमें हो रहा है यहाँ पर तो वही चीज़ें हम क्या करेंगे आपको बैक करेंगे आपको रिटर्न देंगे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हमने वही किया है जो आप लोगों ने हमारे साथ में किया है ओके स्टूडेंट्स बी आर सैड एनी वन वी वर नॉट एज़ क्रुल एज़ यू आर वी हैव ओनली रिटर्न द गार्बेज, वी हैव नॉट पोड केमिकल्स एंड पॉइजन्स ऑन टू योर सेटलमेंट्स। बियर बोलता है तो छोड़ दीजिए ये सब बातें हम लोग आपके जैसे नहीं हैं और हम लोगों ने सिर्फ आपको ये गार्बेज रिटर्न किया है और हमने आपकी तरह कोई केमिकल्स और पॉइजन चीज़ें आपके सेटलमेंट्स मेंस आपकी जो स्ट्रेट्स हैं यहाँ पर तो हमने केमिकल्स और पॉइजंस को नहीं डाला है मेयर सैड आई सी यू एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव अ पॉइंट यू आर राइट मेयर बोलता है तो आप लोगों का पॉइंट सही है आपने जो भी बोला ये बिल्कुल सही है मिस्टर सैड यू हैव ओपन अवर आइज़ वी शुड नॉट डंप रबिश इन द फॉरेस्ट और रिवर्स और लेक्स मिस्टर देसाई बोलते हैं कि आप लोगों ने तो हमारी आंखें खोल दी कि किस तरीके से हम लोग हमारा जो रबिश है जो गारबेज है उसको हम फॉरेस्ट में रिवर्स में और लेक्स में फेंक रहे थे मिसिस पटेल सैड बट वेर कैन वी डिस्पोज ऑफ इट मिसिस पटेल बोलते हैं बट हम लोग हमारा गारबेज कहाँ पर डिस्पोज करेंगे मेयर सैड इफ़ यू ऑल एग्री टू सॉर्ट आउट द लेटर आई विल अरेंज फॉर इट टू बी कलेक्टेड सेपरेटली देन गो फॉर प्रोसेसिंग एंड सम फॉर रिसाइकलिंग मेयर बोलता है कि अगर आप लोग एग्री हो तो मैं कुछ अरेंजमेंट करूँगा कि जिसके कारण गारबेज सेपरेटली कलेक्ट किया जाएगा तो जो गारबेज कलेक्ट होगा तो उसमें कुछ भी प्रोसेस होगा और उसे रिसाइकलिंग किया जाएगा और अच्छे से डिस्पोज किया जाएगा ओके स्टूडेंट्स मिसिस जोशी सैड गुड आइडिया लेट्स डू जस्ट दैट मिसिस जोशी बोलते हैं कि ये गुड आइडिया है और हमें इसे करना चाहिए मेयर सैड लेट सेव अवर मदर अर्थ फ्रॉम फर्दर हार्म टू द एनिमल्स थैंक यू डियर एनिमल्स फॉर टीचिंग अज अ लेसन सो इफेक्टिवली वी assure यू वी विल नॉट pollute और स्पॉल your होम्स आई शेल even वॉन those हु गो there फॉर picnics. मेयर बोलते हैं तो हमारी जो मदर अर्थ है इसे हमें इस तरीके की चीज़ें जो हार्मफुल हैं तो उनसे बचाना चाहिए तो एनिमल्स को थैंक यू बोलते हैं आप लोगों ने काफ़ी अच्छा लेसन सिखाया हम लोगों को और हम लोग यहाँ पर आपके जो होम्स हैं उन्हें बिल्कुल भी स्पॉयल नहीं करेंगे तो और मैं उन लोगों को भी वॉन करूँगा कि अगर जो लोग फॉरेस्ट में पिकनिक के लिए आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पहुँचाएंगे ओके सम एनिमल्स सैड थैंक यू मिस्टर मेयर थैंक यू दे रिटर्न तो सारी एनिमल्स जो हैं वो मेयर को थैंक यू बोलती हैं और वहाँ से चले जाती हैं मेयर सैड सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प लेट्स क्लियर दिस अप ऑल इंक्लूडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग ऑफ द लिटर मेयर बोलता है कि खुद की हेल्प करना ये काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है और उसके बाद यहाँ पर जो सारे कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग मेयर तो ये सब लोग गार्बेज को उठाना स्टार्ट करते हैं ओके स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गुड बाय